अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट एंड आपका दोस्त नूर हसन, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल FH एजुकेशन। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जो पिक्चर्स को ऐड करने का ऑप्शन था उसे क्लियर किया था। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पिक्चर आपने किस तरीके से ऐड करनी है और उनको एडिट कैसे करना है और उसकी अलाइनमेंट आपने किस तरह से करनी है, रैप टेक्स्ट आपने कैसे यूज़ करना है, ये सारे टॉपिक्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ख़त्म कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम शेप्स को एडिट करना सीखेंगे कि आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर शेप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और आप उस शेप को एडिट किस तरह करेंगे, उसके अंदर पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह से ऐड करेंगे, तो उसके बाद आप शेप्स को इफ़ेक्ट्स कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज इसी वीडियो के अंदर जो है वो फाइनल करेंगे। ठीक हो गया। सो गाइस, वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक टू FH एजुकेशन गाइस। अब हम अपना जो शेप्स हैं उन्हें बना के देख लेते हैं कि आपने शेप्स जो हैं वो कैसे ऐड करनी है। आपने यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर आना है और इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपने शेप्स के अंदर आना है। शेप के अंदर आपको यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो बनी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली शेप जो है वो ड्रा करता हूँ। मैं आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो शेप है वो ड्रा हो गई है। यहाँ से अब आप इस शेप को कोई भी कलर जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, मैंने जैसे कि ये लिया, उसके बाद मैंने इसके आउटलाइंस जो हैं वो मैंने फाइट कर दी, तो ये देखिए हमारे पास इसकी शेप जो है वो ड्रा हो गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बने आएंगे, ये शेप्स को एडिट करने के लिए होते हैं। शेप को थोड़ी सी ये खूबसूरती दे देते हैं या इसके कॉर्नर्स जो होते हैं उन्हें ज़रा स्मूथ कर देते हैं, तो उन पॉइंट्स का जो है वो बस इतना सा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखें आप, मैं शेप जो है वो चेंज करके बताता हूँ आपको। इंसर्ट के अंदर आएँगे, शेप के अंदर अगेन जाएँगे और यहाँ से मैं लाइक दिस मैं ये शेप जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास शेप जो है वो ऐड होगी। अब इसको कलर देने का तरीका ये है कि जब आप कोई भी शेप ड्रा करेंगे तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट कलर होगा ना वो ब्लू होगा। ठीक है, अब ब्लू कलर के साथ उसकी आउटलाइन भी ब्लू ही होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको शेप स्टाइल्स के अंदर कुछ कलर जो हैं वो बने मिल जाते हैं। यहाँ पर येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ की आउटलाइन जो है वो कलर की है, कुछ की आउटलाइन जो है वो वाइट कलर की है, तो इस तरह से आपको वो मिल जाएंगे। तो अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई कलर इन्हें देना है तो आपने जस्ट शेप फिल के अंदर आना है। शेप फिल के अंदर आने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर इसे दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा कलर जो आप इसे देना चाहते हैं और वो कलर इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पे मोर फिल कलर्स हैं, आप उन मोर फिल कलर के ऊपर क्लिक करके उसको कलर दे सकते हैं। आप अपना हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू भी वो कलर जो है वो इसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने शेप के अंदर पिक्चर ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखें पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो मैं वर्क ऑफलाइन करता हूँ, वर्क ऑफलाइन करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर जो है वो इसके अंदर ऐड करना चाहता तो वो मैं कर लेता हूँ। मैं लाइक दिस वाइट और इंसर्ट। तो यहाँ पे देखें ये उसने शेप जो ली है वो एक बॉक्स की ले ली है। अब अगर आप गौर करें, मैं इसको आउटलाइन देता हूँ ब्लैक कलर की, फिर आपको सही से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये इसके अंदर हमारी जो इमेज है ना वो आई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको जो शेप है उसके अंदर इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे अगेन आऊँगा फॉर्मेट्स के अंदर और शेप के अंदर आऊँगा, शेप फिल के अंदर। शेप फिल के अंदर आप अगर इसे ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो आप इसे ग्रेडियंट दे सकते हैं। मैंने ये वाला ग्रेडियंट दिया, मैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैंने ये वाला कलर कर दिया। कलर करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रेडियंट्स के अंदर आऊँगा। ग्रेडियंट्स होते हैं कि एक से ज़्यादा कलर। ठीक है ना, यानी कि आप कोई अलग से स्टाइल देना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने एक से ज़्यादा कलर ऐड करने हैं तो वो एक ग्रेडियंट के तौर पे आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने दो से ज़्यादा ग्रेडियंट्स ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप जितने मर्ज़ी, यहाँ ग्रेडियंट फिल है, अब यहाँ से ग्रेडियंट फिल जैसे जितने ऐड करने हैं आपने यहाँ से पॉइंट ऐड करते जाना है। ठीक है, ये पॉइंट ऐड करने का ऑप्शन है एंड ये पॉइंट रिमूव करने का। तो यहाँ पे अब आप इन पॉइंट्स के अंदर सेपरेट कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, मैंने ये वाला कलर दे दिया। इस पॉइंट के ऊपर प्रेस किया, इसको मैंने येलो कलर दे दिया। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया तो
तो मैंने इसको कलर दे दिया जनाब ब्लैक कलर। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसे मैं कोई भी रैंडमली कलर देता हूँ लाइक ग्रीन कलर, और उसके बाद ये है तो इसको भी मैं कलर कोई ना कोई कलर जो है ना वो मैं इसे दे देता हूँ लाइक येलो। तो इस तरह से देखें ये आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एक और अगर ऐड कर दूँ तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं उसके अंदर भी कोई ना कोई कलर जो है वो ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो ऐड हो गया। इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे आपने कर लेनी एडिट, ट्रांसपेरेंसी यानी कि चीज़ें कितनी नज़र आनी चाहिए वो होती है हमारी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आपने इसकी डायरेक्शन किस तरीके से रखनी है यानी कि ये देखिए हमारे पास 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये शो हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने कर से जिस तरीके से करना है, अगर आपने इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर लें। लीनियर है, उसके बाद रेडियल टाइप गोल बन जाएगा ग्रेडियंट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, बॉक्स शेप के अंदर आपने करना है तो वो, अगर आपने पाथ जो शेप बनाई है उस तरीके से करना है तो वो भी आप बन जाएगा। तो ये देखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जो शेप है वो ड्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे आप इस तरह से मल्टीपल कलर्स ऐड करके ग्रेडियंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। अगर आपने पॉइंट्स रिमूव करने हैं आप यहाँ से रिमूव करते जाएं और जनाब ये देखें आपके पास सिर्फ दो ही पॉइंट रह गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनको कलर जो है ना वो चेंज कर लें, तो अप्लाई करते हैं तो ये खुद ही अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिनियर करता हूँ, यहाँ पे अभी जो कलर है वो अप्लाई नहीं हुआ, तो आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो है वो हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये ग्रेडियंट्स को ऐड करने का तरीका है कि आप एक से ज़्यादा ग्रेडियंट्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये शेप जो है ये इसको मैं ज़रा डिलीट कर लेता हूँ, और अब जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है इंसर्ट शेप, शेप्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पे देखें कि टेक्स्ट बॉक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ तो वो लेफ़्ट होगा या राइट होगा, यहाँ मैं टेक्स्ट लिखता हूँ इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। होम टैब के अंदर आपके कोई भी टेक्स्ट आपने एडिट करना है वो यहीं से होगा मेन पेज से। मैं यहाँ पे इसे बोल्ड कर लेता हूँ, टैली कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट यहाँ तो मैं राइट कर सकता हूँ इस तरह से, या मैं सेंटर में कर सकता हूँ, या मैं लेफ़्ट कर सकता हूँ, या मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। यही मेरे पास तीन चार ऑप्शन है। उसके अलावा मैं रैंडम प्लेस पर कहीं पर भी टेक्स्ट को ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँगा यार मैंने यहाँ पे ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऐड करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने उस तरीके से नहीं करना। तो आपने जब भी, या अगर आपने किसी शेप के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है वो कैसे करना है, यहाँ पे देखें मैं अगर आपको यहाँ पर शेप बना के बताऊँ, यहाँ पर इंसर्ट ये, और ये मैंने एक शेप बना ली, तो इसके अंदर अब मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता, ठीक है ना। मैं इसके अंदर टेक्स्ट को नहीं ला सकता, या तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आता जाएगा, शेप नीचे जाती जाएगी, तो ये टेक्स्ट जो है इस तरह जाएगा। एक ऑप्शन तो ये भी है कि आप टेक्स्ट को यहाँ पे करें और इसके बाद इसको नीचे की तरफ कर दें, प्रिंट टू बैक कर दें या सेंड टू बैक कर दें, तो ये जो टेक्स्ट है हमारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे ये हो नहीं रहा, मैं करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सेंड बैकवर्ड, सेंड बैक बिहाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे देखें ये हमारा इस तरीके से फिर ऐड होगा। अब यहाँ से शेप आप जिस तरह से मर्ज़ी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं ना करूँ, समटाइम हमें याद भी नहीं रहता इस तरीके से करना। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आप आएंगे, इंसर्ट के अंदर आके आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे। अब इसके अंदर आप जो मर्ज़ी लिखें, इसके अंदर आप कुछ भी लिख के, मैं लेट्स से वेलकम ये लिखा, और इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अब आप यहाँ से पकड़ के से जहाँ मर्ज़ी मूव करें, वो टेक्स्ट आपने देखा था वो मूव नहीं थे कर सकते, वो फिक्स था। यहाँ पर आप इसे जहाँ मर्ज़ी रोटेट करें, कोई भी शेप आप ड्रा करें, किसी भी किस्म की कोई शेप आप ड्रा करते हैं तो उस शेप के अंदर इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, आउटलाइन भी आ रही है, तो यहाँ पे आके शेप फिल के अंदर आएंगे, शेप फिल के अंदर आके नो फिल कर दें, ठीक है, और आउटलाइन भी जो है वो भी आप ख़त्म कर दें, तो ये देखें हमारे पास ये बन जाएगा।
तो यहाँ से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब आप इस टेक्स्ट को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट को जो मर्ज़ी कलर दें, आप इसे आउटलाइन दें, जो भी आप इसे देना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आप कोई भी इसके अंदर जो है वो इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म का टूल है, जहाँ पे हमने शेप के मुताबिक इसे करना है तो वो भी आप इसको कर लें, ठीक है ना। यहाँ से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो रह गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। शेप मैं यहाँ से एक ड्रा कर लेता हूँ, हमारे जो पॉइंट्स एडिट होने हैं वो मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने इस तरह शेप ड्रा कर लेनी है। ये मैंने शेप ड्रा की, शेप ड्रा करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एडिट शेप का एक ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, एक होगा चेंज शेप एंड दूसरा होगा एडिट पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप शेप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो शेप आप लगाना चाहते हैं उस शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है एडिट पॉइंट्स का, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी शेप जो है वो वही ले लेता हूँ जो पहले थी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एडिट पॉइंट्स के ऊपर गया। एडिट पॉइंट जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट्स बने आ जाएंगे। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, आप इसके अंदर कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर कुछ चीज़ें ड्रा करते हैं ना, तो रैंडमली आप कोई भी लाइन ड्रा करके उसकी एक अलग सी शेप बना देते हैं, तो वो काम आप एमएस वर्ल्ड के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी शेप ड्रा करें, उसके बाद इसके पॉइंट्स को एडिट करना शुरू कर दें, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से ईज़ीली बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी रैंडमली रफ सी एक ड्राइंग जो है वो बना देता हूँ, ताकि बस आपको क्लियर ही करना है कि पॉइंट्स जो हैं वो एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन शेप को आप जिस तरीके से मर्ज़ी जो है ना वो एडिट कर लें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी शेप जो है वो एडिट होगी। उसके बाद इस शेप के भी इफ़ेक्ट्स हैं। आप मैं यहाँ पे लेट से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने इसे कोई भी कलर दे लिया, मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ, ये कलर मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको आउटलाइन मिलेगी, आपको आउटलाइन के अंदर भी ऑप्शंस मिलेंगे। आपने कोई कलरफुल, कोई भी आपने कलर ऐसा जो इसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे मोर कलर्स के ऊपर आके आउटलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद लाइन जो होगी, जो हमारी आउटलाइन होगी उसकी विड्थ क्या होगी, कितने पॉइंट होगी, वो आपने यहाँ से ऐड सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे डैशेज़ का ऑप्शन है। डैशेज़ के अंदर होता यह है कि आपकी आउटलाइन का जो डिज़ाइन है वो, ठीक है, ये देखिए डैशेज़ वाला डिज़ाइन बन गया, और इस तरह से कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है, वो है शेप इफ़ेक्ट्स का। शेप इफ़ेक्ट्स के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट का इफ़ेक्ट मिलेगा, आप कोई भी इफेक्ट जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने लेट्स से मैंने ये वाला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी कर लेता हूँ, मैं ये शेप यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इफ़ेक्ट्स के अंदर आके हमारे पास रिफ्लेक्शन है, मैं यहाँ पे रिफ़्लेक्शन वाला भी एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिफ़्लेक्शन वाला ऐड हो गया। उसके बाद एक और मैं शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर आप, मैं शेप को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने शेप को इस तरह छोटा किया। उसके बाद इस शेप इफ़ेक्ट के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे ग्लो का एक इफ़ेक्ट होगा, मैं यहाँ से शेप को ग्लो ऐड कर दूँगा, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद मैं अगेन से कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट्स, और यहाँ पे अब आ गया सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस के अंदर होता ही होगा जो कॉर्नर्स आपके बहुत ज़्यादा, जैसे कि नोकें बनी होती हैं ना, वो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, तो यहाँ से आप उन कॉर्नर्स को आप स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्लो इसके अंदर ऐड हुआ है तो इसलिए ये इस तरह से लग रहा है, तो मैं इसे नो ग्लो कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेवल इफ़ेक्ट है। यहाँ से आप बेवल इफ़ेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो लगा देता हूँ, बाकी जो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी शेप बन गई है। यहाँ पे देखें ये हमारी एक बेवल इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप जो है वो इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ड्रा करके उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाएं। आपने इसे 3D लुक देनी है तो आप इसे 3D लुक भी यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ देखें, ठीक है ना। जो भी काम इसके अंदर आप करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो गाइस बस यही था एक काम था हमारा,
तो यही शेप्स का यूज़ था, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। सो गाइज़, अगर तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मुझे वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जो है वो भी दूंगा। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट हम अपने चैट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, स्मार्ट चैट तो और चैट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सो यही थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक एंड एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।